हमारे पास जो है इसके बाद जो है वो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स हमारे पास जो हैं वो हमारे पास डिवाइडेड हैं किसमें, होमोसाइक्लिक एंड हीटरोसाइक्लिक। हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो क्लोज एंड चेन्स हों। क्लोज एंड चेन मतलब जो चेन होती है हमारे पास, जो साइकिल होती है उसकी ना कोई शुरुआत होती है ना कोई इख्तिताम होता है। तो हमारे पास क्लोज एंड चेन्स वाले कंपाउंड जो है वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसके अंदर दो है हमारे पास, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हीटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ क्या हो, ओनली कार्बन हो इन द रिंग स्ट्रक्चर। तो हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर में सिर्फ कार्बन हो, ठीक है। होमोसाइक्लिक की फर्दर और डिवीजन है, दैट इज द एरोमेटिक एंड एलीसाइक्लिक। एली एरोमेटिक ऐसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिसके अंदर हमारे पास रिंग में ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड हो। एग्जाम्पल इज बेंजीन। बेंजीन के अंदर हमारे पास जो है ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हमारे पास है। तो ऑल्टरनेटली एरोमेटिक इनको क्यों कहा जाता है, एरोमेटिक एरोमा से निकला है। दे हैव अ सर्टेन अरोमा स्मेल। देन ऑन द अदर हैंड हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिसके अंदर बेंजीन रिंग ना हो बट साइक्लिक हो, देयर आर एलीसाइक्लिक। हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन की सैंपल है। हमारे पास साइक्लिक तो है बट नो बेंजीन स्ट्रक्चर, नॉन बेंजोइड कहलाते हैं ये, जिनके अंदर नो डबल और सिंगल बॉन्ड हो। एंड हमारे पास कौन से होते हैं, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नाम है हीट्रो, होमो मीन्स सेम, हीट्रो मीन्स डिफरेंट, जिसके अंदर हमारे पास कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट हो विद इन द चेन, दैट कैन बी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। हमारे पास सिक्स एग्जाम्पल क्या है, फ्यूरान। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमारे पास हर जगह कार्बन है बट एक जगह हमारे पास ऑक्सीजन है, थियोफीन एंड पायरॉल। दैट्स ऑल, थैंक यू। हम जरा जनरल फॉर्मूलाज देखते हैं, तो क्योंकि हमारे पास अल्केन, अल्कीन, अल्काइन बहुत दफ़ा रिपीट हो रहा होता है। हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बेसिक सी ये तीन हैं, दीज आर द बेसिक थिंग्स जो हमें पता होनी चाहिए। जनरल फॉर्मूला देखें, अगर हमारे पास अल्कीन्स हम पढ़ चुके हैं अभी के, वो सिंगल बॉन्डेड होते हैं, अल्कीन्स डबल बॉन्डेड होते हैं और अल्काइन ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है CnH2n, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, ये जो फॉर्मूला है इसके तहत हमारे पास जो है अल्कीन्स के क्या बनते हैं, स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे n का मतलब क्या है, n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जो इस फॉर्मूले में हम नंबर ऑफ कार्बन एटम डालेंगे तो हमारे पास जो है जो एल्केन्स का जो फॉर्मूला होगा वो खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा। आसान है, CnH2n हमारे पास अल्कीन है, इसमें प्लस टू करें तो वो अल्केन्स का फॉर्मूला बन जाता है, इसमें माइनस टू करें तो ये अल्काइंस का फॉर्मूला बन जाता है। तो आपको सिर्फ इसके अंदर जो है एन की जगह डालने की जरूरत है। आप लोग 9th क्लास में भी कर चुके होंगे ये लोग, ये वाला जो एक हमारे पास एक्सरसाइज होती है, इसमें आप सिर्फ इनके फॉर्मूलाज में सिर्फ एन की जगह आप क्या डालते हैं, इनके जनरल फॉर्मूलाज में एन की जगह आप क्या डालते हैं, कितने नंबर ऑफ कार्बन है तो आपके पास जनरेट हो जाता है। अगर मैं अल्केन्स में वन डालूं सी एन की जगह, CN1 होता है हमारे पास, ठीक है ना। अगर मैं डालूं अल्केन में CN1 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, CN1, अच्छा H, हमारे पास क्या हो जाएगा 2, एन की जगह मैं क्या डाल रहा हूँ 1, और ये क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 2। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH4, ये क्या बन गया, CH4। CH4 हमारे पास वो ऐसा अल्कीन है जिसमें एक कार्बन होता है, ठीक है ना। अच्छा इनके नाम भी होते हैं, जिसमें एक कार्बन तो उसका नाम अलग होता है, उस दो तो हमारे पास एक एक क्या कह रहे हैं हम, काउंटिंग होती है कि नंबर ऑफ एटम और उनका रूट वर्ड क्या होगा, रूट वर्ड क्या होगा, नाम से पहले क्या लगेगा। अगर मेरे पास एक कार्बन है जिसमें सिर्फ ऐसा, मेरे पास हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ एक कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, एक कार्बन है, तो उसमें कहूंगा मीथ, दो है तो ईथ कहूंगा, तीन है तो प्रॉप कहूंगा, चार है तो ब्यूट कहूंगा, पांच है तो पेंट, हेक्स, हेप्ट और नॉन डेक। 10 तक याद करना काफी है हमारे पास, क्योंकि हमें ये बाद में नॉमेनक्लेचर में भी काम आएगा। तो
तो ये हमारे पास होता है मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन और डेक। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें हमारे पास एक कार्बन है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन है, ठीक है ना। ऐसा अल्केन है जिसमें ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन, तो उसका लो अल्केन है। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है, आप सबको पता है इसका नाम क्या है, मीथेन। तो इसमें क्या होता है, पहला जो वर्ड है, पहला जो पार्ट होता है वो यहाँ से आता है, मीथ ईथ से। ईथ मीथेन है, और जो उसका सफिक्स होगा, जो उसके एंड होगा, वो हमारे पास कैसे होगा, वो जो इस कार्बन के एंड किस पे हो रहा है, ये एन पे एंड हो रहा है ना, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। सही है। अगर एंड हमारे पास के अंदर डबल बॉन्ड होंगे किसी हाइड्रोकार्बन में, तो उसको हम कहेंगे और अल्कीन्स। तो अगर उसमें दो कार्बन है तो उसको कहेंगे इथीन। अगर हमारे पास ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें हमारे पास चार क्या है, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ चार चार कार्बन है, तो ब्यूट है, उसमें हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम उसको कहेंगे इसके अल्काइन है। तो एंड वाई एन ही होता, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बेसिकली इनके स्ट्रक्चर्स का नाम रख रहे होते हैं। ये हमारे पास एक चार्ट है जिससे हमें ज्यादा अच्छे से पता चल रहा होता है कि ऐसा अल्केन जिसमें एक कार्बन है वो कहलाता है मीथ, एंड में क्या आ जाएगा, अल्केन्स का एन्स, ठीक है ना। अच्छा जो हमारे पास अल्केन्स अल्काइन एग्जिस्ट नहीं करते एक कार्बन वाले, क्योंकि एक कार्बन हाइड्रोजन से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना नहीं सकते, तो ये एग्जिस्ट नहीं करते। अगर हम इथीन देखें, इसमें ईथ को देखें, ईथ में हमारे पास क्या है, अल्केन है तो उसमें क्या आएगा, इथेन। अल्कीन है तो क्या आएगा, इथीन। अल्काइन है तो क्या आएगा, इथाइन, ठीक है ना। हमारे पास जो शुरू का नाम तो हमारे पास काउंटिंग से है, ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा, आराम से याद भी हो जाएगा आपको। और हमारे पास जो एंडिंग है वो हमारे पास डिपेंड करता है कौन सा हाइड्रोकार्बन है। अगर वो अल्केन है तो एंड एन पे होगा, ईन है तो ईन पे होगा, आयन है तो आयन पे होगा। और ये जो है इनके जो केमिकल फॉर्मूला है, ये विद द हेल्प ऑफ द प्रीवियस जनरल फॉर्मूला जो मैंने बताए थे, ये उसके तहत नाम रखे गए। हमारे पास द नेक्स्ट टॉपिक इज होमोलोगस सीरीज, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चरल फीचर्स बट डिफरेंट फ्रॉम एडजेसेंट मेंबर बाय CH2 ग्रुप और 14 AMU इज रेफर्ड टू एज होमोलोगस सीरीज। ईच मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज इज कॉल्ड एज होमोलॉग्स। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, हमारे पास जो मेंबर्स होते हैं किसी भी एक फैमिली के, अभी हमने बहुत बेसिक पढ़े अल्केन अल्कीन अल्काइन, हमारे पास और भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास फैमिलीज बन रही होती है। जो हमारे पास ऑर्गेनिक फैमिलीज होती हैं, जिस तरह से अल्केन एक फैमिली है, अल्कीन एक फैमिली है, अल्काइन एक फैमिली है, जिसमें दो ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चरली फीचर्स जो होते हैं सिमिलर होते हैं, बट ये एक दूसरे से डिफर करते हैं। एडजेसेंट मतलब जो इसके नेक्स्ट होगा वो किससे डिफर करेगा, CH2 यूनिट। अगर CH2 का हम एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके निकालें तो वो क्या बनता है, 14 AMU, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, होमोलोगस सीरीज। अगर हम एग्जाम्पल देखें, अगर हम एग्जाम्पल देखें, ये हमारे पास क्या है, अल्केन्स है, ये सारे के सारे क्या है, अल्केन्स है हमारे पास। अल्केन्स को देखें, CH और ये मीथेन और इथेन को देखें, अगर इन दोनों में कितने यूनिट का फर्क है, अगर हम देखें एक कार्बन का फर्क है और दो हाइड्रोजन का फर्क है, यही फर्क है ना, सही है। तो हमारे पास क्या हो गया, CH2 यूनिट का फर्क है। अगर हम थोड़ा आगे जाएं और हम देखें हेक्सीन और हेप्टेन में, इन दोनों में भी हमें क्या फर्क नजर आएगा, CH2 का फर्क। तो जो पूरी सीरीज होगी, पूरी फैमिली होगी जिसमें CH2 का फर्क होगा सिर्फ, वो हमारे पास क्या कहलाती है, होमोलोगस सीरीज। अगर हम अल्कोहल्स देखें, हमारे पास ये एक अल्कोहल है, ये दूसरा अल्कोहल है, ये तीसरा अल्कोहल, ठीक है। हमारे पास ये मीथेनॉल इथेनॉल, हमारे पास है मीथेनॉल इथेनॉल और प्रोपानॉल, ठीक है ना। इनके भी सफिक्स जो खत्म हो रहा होता है वो नाम आ जाते हैं, हम इसकी नोमेनक्लेचर बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो हमारे पास मीथेनॉल इथेनॉल और प्रोपानॉल है, ठीक है। अच्छा, इन तीनों में अगर हम देखें मीथेनॉल और इथेनॉल में किसका फर्क है, हमें वाजे नजर आ रहा है CH2 का फर्क है, ठीक है। और इन दोनों में भी अगर फर्क देखेंगे तो हमारे पास अगर हम माइनस करेंगे तो CH2 का फर्क आएगा। हमारे पास सारी ऑर्गेनिक फैमिलीज जो होती हैं वो क्या होती है, होमोलोगस सीरीज होती है।